दोस्तों अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 इसे सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और उसके रूट्स निकालना है। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें उसकी जो मिडल टर्म है माइनस 15x उसको स्प्लिट करना है दो टर्म्स में। उसको दो टर्म्स में स्प्लिट करने के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए। वो नंबर्स कैसे ढूंढने हैं दो, तो देखिए पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म है 54, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 54 यानी हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 54। अभी हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 54 आएगा और उनका अगर हम सम करेंगे या डिफरेंस निकालेंगे तो वो आना चाहिए मिडल टर्म यानी माइनस 15। लेकिन यहाँ पे सम चाहिए डिफरेंस, तो 54 जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमें सम चाहिए कि डिफरेंस। अभी जो 54 है ये पॉजिटिव है क्योंकि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 वो भी पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म है 54 वो भी पॉजिटिव है, इसलिए प्रोडक्ट 54 पॉजिटिव है। अगर 54 पॉजिटिव है तो हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे। अभी दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, उनका सम हमें निकालना पड़ेगा मिडल टर्म। अगर दोनों में से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता तो हमें डिफरेंस मिलता मिडल टर्म, लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे है दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तो मिडल टर्म हमें उनको ऐड करके मिलने वाला है। अभी पॉजिटिव लेने हैं कि निगेटिव, तो मिडल टर्म क्या है, मिडल टर्म माइनस 15 है, निगेटिव है, इसलिए हमें जो दो नंबर्स लेने हैं वो दोनों नंबर्स देने पड़ेंगे निगेटिव। अभी हम देखते हैं 54 प्रोडक्ट मिलने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है हमें दो फैक्टर्स के लिए। तो फर्स्ट है 27 एंड 2 जिनका प्रोडक्ट 54 आएगा, सेकंड है 18 एंड 3 और थर्ड है 9 एंड 6। तो इन तीनों में से खाली एक ही पेयर ऐसी है 9 एंड 6 जिनका सम 15 आएगा और वो भी हमें चाहिए निगेटिव, इसलिए हमें लेने पड़ेंगे माइनस 9 माइनस 6 ताकि दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस 54 और दोनों का सम जो है वो मिडल टर्म इतना आएगा माइनस 15। अभी हमें इस इक्वेशन में मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, देखते हैं। सो द इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज, अभी जो मिडल टर्म है माइनस 15x उसके जगह पे हमें दो टर्म्स लेने हैं माइनस 9x माइनस 6x अकॉर्डिंग टू अवर फैक्टर्स जो हमने यहाँ पे ढूंढ के निकाले हैं। तो माइनस 9x माइनस 6x ये हो गया, हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, प्लस लास्ट टर्म 54 एज इट इज इक्वल टू राइट साइड में 0 एज इट इज। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर माइनस 9x इससे हमें कॉमन मिलेगा x और ब्रैकेट में बचेंगे x माइनस 9, ऐसे जो लास्ट दो टर्म्स है उससे कॉमन निकलेगा माइनस 6 और ब्रैकेट में बचेंगे x माइनस 9 इज इक्वल टू राइट साइड में 0 एज इट इज। अभी इन दो टर्म से एक पूरा ब्रैकेट हमें कॉमन मिल रहा है x माइनस 9, अगर हम x माइनस 9 को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा फ्रॉम फर्स्ट टर्म x एंड फ्रॉम सेकेंड टर्म माइनस 6 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा आइदर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। तो दोस्तों इस तरह हमें इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स यहाँ पे मिल गए हैं 9 एंड 6 जिन्हें हमें हमने निकाला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो दोस्तों इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारे और आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो ध्यान में आया है तो लाइक जरूर दीजिए।